ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये आ जाएगा, तो वो कौन सा है
सिक्स होता था, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू है। फिर नेक्स्ट नंबर है 9, 8, 7 डिवाइडेड, सॉरी माइनस 3 डिवाइडेड 8, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, 987 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 984। 984 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 123 आएगा, ठीक है। 987 है नंबर, उसमें से कितना माइनस करना है, 3, तो कितना आएगा 984। 984 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 123। फिर नेक्स्ट नंबर है 9876 माइनस 4 डिवाइड 8, ठीक है। अब ये 976 में से 4 माइनस करना है, तो 9876 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9872 बचेगा। कितना बचेगा, 9872 को जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1234। तो इसी टाइप से ये पैटर्न हमारे आगे कंप्लीट हमको करना है। 9, 8, 7, 6, 5 माइनस 5 डिवाइडेड 8, ठीक है ना, जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5। इस तरह से ये आगे नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर है 9, 8, 7, 6, 5, 4 माइनस 6 डिवाइडेड 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों को ये पैटर्न आगे कंप्लीट करते रहना है। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना था, 9 था, फिर 9 के बाद तो 1 था, 1 में कौन सी डिजिट थी, 9, फिर वो 10, 10 में क्या हुआ, 98, फिर 100, 100 में कितना हो गया 987, फिर 1000, 9876, फिर 10000, 98765, फिर 987654, फिर इससे आगे फिर बढ़ जाएगा 98,76,543 हो जाएगा, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे, इसके आगे का नंबर आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब फिर नेक्स्ट नंबर है स्मार्ट एडिंग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब इनको हम सबको इन नंबरों को क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है, तो हम एक बार इनको प्लस करके देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ 1 प्लस ये इस डिजिट को जब प्लस करें तो कितना आएगा, 55। अब सेकंड नंबर में क्या है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 20। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 155। फिर नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 255। फिर उसके वाला नीचे वाला 355। तो क्या है, इसलिए ये सभी हमको डिजिट को एक साथ, जैसे सबसे पहले हमने 1 लिया था यहाँ पे, फिर 11 हो गया, फिर 21, फिर 31, फिर 41, फिर 51, नेक्स्ट नंबर 61। तो 10-10 के हिसाब से आपको आगे नंबर प्लस करना, जैसे 21 के बाद 22, 23, 24,
जब हम इन सबका प्लस करें तो कितना आ गया 255 आ गया। अब 31 वाले लाइन इस टाइप से आपको पूरा ये पैटर्न कंप्लीट करना है। अब फाइंड विद ओड नंबर, ठीक है। अब फाइंड विद ओड नंबर मतलब जैसे हमको टेक द फर्स्ट टू ओड नंबर, हमको स्टार्टिंग में टू ओड नंबर टू लेने हैं, नाउ ऐड देम, हमको क्या करना है प्लस करना है, see what you get, now add every step at the next odd number. अब हमको odd number को plus करना है, तो जो हमारा number आएगा वो दोस्तों से number आएंगे वो हमको बता देना है। सबसे पहले है 1 plus 3, देखो 1 भी odd number है और 3 भी odd number है। तो जब हम 1 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा। तो जब 4 को 2 इनटू 2 2 कितना होता है 4 और 1 प्लस 3 कितना होता है 4। अब नेक्स्ट नंबर है 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5, अब 5 और 3 8 और 1 9 मतलब 3 इनटू 3 3 3 सा जब 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर है 1 3 5, फिर ओल्ड नंबर क्या आएगा 7 आएगा, 7 और 5 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 और 1 16, 16 का क्या करेंगे 4 into 4 2 into 2 2 3 4। फिर ऐसा ही नेक्स्ट नंबर फिर ले लेंगे 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे 9 और 7 कितना आता है 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, कितना है नंबर 25। तो 5 into 5 आंसर कितना होता है 25 होता है। फिर नेक्स्ट नंबर फिर मिलेंगे 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11। अब इनको जब प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखो 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया, 20 में 7 प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 27 में 5 प्लस कर देंगे 32 हो जाएगा, 32 में फिर 3 प्लस कर देंगे 35 और 1 36, कितना आएगा हमारा 36। तो 6 into 6 कितना होता है 36। इस टाइप से ये आगे वाला नंबर भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो भी पैटर्न मैंने आपको समझाए हैं तो आपको एक बार रफ वीडियो से देखना है, समझना है, फिर आपको रफ कॉपी में ट्राई करना है, सॉल्व करना है ये पैटर्न, और पीडीएफ से आपको आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट करना है। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है, एक बार अच्छे से समझें फिर उसको कॉपी में कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।